दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ना तो यहाँ पर कोई आपकी एग्जामिनेशन फीस लगेगी। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और क्या बताया गया है इनके ऑफिशियल नोटिस में, उसमें आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा जॉब्स अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। और आप प्रीमियम टाइप जॉब्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका डिस्ट्रिक्ट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब निकाली गई है। बात करें आपकी वैकेंसी डिटेल के बारे में, यहाँ पर आपकी किस पोस्ट पर वैकेंसी रहेगी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी क्या रहने वाली हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगी गई है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका कब तक रहेगा, पे लेवल आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे रहेगा और आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नोटिस आपका ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर बारपेटा डिस्ट्रिक्ट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ असम की तरफ से जारी किया गया है। और बात कर लेते हैं आपके नेम ऑफ पोस्ट के बारे में, तो पोस्ट आपकी रहने वाली है फील्ड ऑफिसर की डिसास्टर मैनेजमेंट में, सिर्फ आपके लिए वैकेंसी है। बात करें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, अगर आपने बैचलर डिग्री की है साइंस, स्टैटिक, जियोग्राफी, इन्वायरमेंटल साइंस या फिर जियोलॉजी में, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और मैं करके बताया है अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में या फिर आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। फ्रेशर्स कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। बात करें आपकी एज लिमिट के बारे में, तो इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज यहाँ पर आपकी 35 साल रखी गई है। एज का कट ऑफ आपका 1 जनवरी 2023 के हिसाब से रहेगा। और एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। कंप्यूटर स्किल्स में आपको बताया है कि आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और ईमेल्स वगैरह की जानकारी होनी चाहिए। आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। बात करें आपके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बारे में, तो इनिशियली आपकी अपॉइंटमेंट यहाँ पर 1 साल के लिए होगी, बाकी आपकी परफॉर्मेंस और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे आगे एक्सटेंड किया जाएगा। बात करें आपके पे लेवल के बारे में, तो सैलरी यहाँ पर आपको 20,000 रुपीज़ पर मंथ मिलने वाली है। इसके साथ आपको कुछ अलाउंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपका यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है। यहाँ पर आपको 50 मार्क मिलेंगे, जो भी आपका बीटेक या फिर डिप्लोमा में है उसके हिसाब से आपके यहाँ पर 50 मार्क लिए जाएंगे। और डिसास्टर मैनेजमेंट के यहाँ पर आपको 20 मार्क मिलेंगे, कंप्यूटर नॉलेज के आपको यहाँ पर 20 मार्क मिलेंगे और आपके एटीट्यूड और पर्सनैलिटी ट्रेट के आपको यहाँ पर 10 मार्क मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई, आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई प्रोसेस यहाँ पर आपका ऑफलाइन रखा गया है। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपना अपडेटेड सीवी लेना है, उसके साथ में आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, लाइक आपकी 10th की मार्कशीट है, आपने जो भी डिप्लोमा बीटेक किया है, जो भी उसकी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, और आपके पास कंप्यूटर नॉलेज का सर्टिफिकेट है, आपके एज प्रूफ हैं, और भी आपके जितने ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं उन सबको आपको लेना है, सेल्फ टेस्ट करना है और आपको भेज देना है इनके ऑफिशियल एड्रेस पर। ये सभी डॉक्यूमेंट आपके 28 फरवरी तक इनके ऑफिशियल एड्रेस पर पहुंच जाने चाहिए। और जो भी दोस्त हमारे इसके लिए शॉर्टलिस्ट होंगे उनकी लिस्ट जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश की जाएगी। तो जो भी दोस्त हमारे इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, आप यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सिविल इंजीनियरिंग के सबसे ज़्यादा जॉब सब्जेक्ट पाने के लिए चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें।